नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीख रहे हैं एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग रिपोर्ट ऑटोमेशन के लिए 2016 के साथ, एक्सेल 2016 के साथ। तो पहले आप लोगों को मैं बताना चाहूँ कि आप लोगों ने अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे नए नए जो भी वीडियोज हैं, जो भी नॉर्मल लेक्चर्स हैं, आपको मिलते रहे। अभी अभी एक हमारे बहुत पुराने स्टूडेंट हैं मिस्टर नरेश, जो कि ATS में काम करते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर हमारे पास एक प्रॉब्लम है। वो चाहते हैं कि उनकी एक डेटा है, एक सीट मान लीजिए या डेटा मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, कि वो कॉम्प्लिकेटेड डेटा है। मान लीजिए एक आईडी है, वो चाहते हैं कि कोई भी पर्सन इसको एक बार से ज्यादा चेंज ना कर पाए, वन टाइम से ज्यादा कोई भी इसको चेंज ना कर पाए, और जो भी चेंज करे इसके पास यहां पे चेंज बाय का नाम आ जाए कि किसने चेंज किया है। जैसे मैंने यहां पे 1254 लिख के एंटर किया, इसके बगल में इसका ये आना चाहिए कि भाई इसमें मेरा यूजर नेम सुजीत है, तो यहाँ पे मैंने सुजीत आ गया, और फिर ये फाइल प्रोटेक्ट हो जानी चाहिए, सीट जो है प्रोटेक्ट हो जानी चाहिए, फिर ये काम वर्क ना करे। अगर टाइप करते समय, अगर मान लीजिए कि टाइप करते समय चेक किया जाए कि अगर मैंने इसमें से कोई भी डेटा, अगर हम यहां जैसे मैंने कर्सर रखा चेंज करने के लिए, तो अगर ये ऑलरेडी मैं चेंज कर चुका हूं तो यहां पे मुझे चेंज ना करने दें, तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो चलिए इसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं। ड्यू कोड में रियल टाइम प्रोग्राम है, वर्कशीट अब यहां पे एक दिक्कत आती है कि कैसे होगा। हम यहां पे क्योंकि हम चेंज नहीं कर पाएंगे, चेंज बाई में यहां नहीं लिख पाएंगे, यहां लिख पाएंगे, क्योंकि थ्योरी ऐसी नहीं कर रही है। चेंज यहां पे हम देंगे क्यू इक्वल टू यूजर नेम, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1,0 डॉट एड कमेंट टैक्स बाई एस एडिट बाई एड। तो चेक करते हैं, चेक करने से पहले मेरा एक फाइल है सेव करके, कि हो सकता है कि हैंग होने का डर है, मुझे ऐसा लग रहा है थ्योरी के अकॉर्डिंग कि फाइल हैंग होगा, तो पहले एक फाइल को मैं सेव कर लेता हूं, जो कि इम्पोर्टेंट फाइल मैंने बनाई है। अब चलिए 5845 एंटर। ओ चलो हैंग तो नहीं हुआ, लेकिन एक दिक्कत हो गई मुझे यहां पे, -1 करना होगा, क्योंकि जब एंटर मारेगा तो कर्सर नीचे हो जाता है एडिट होने के बाद, तो इसलिए। हाँ देखिए 582
अजित भाई सुजीत आ गया, अब चाहता हूं कि फाइल प्रोटेक्ट हो जाए, क्योंकि जैसे मैं इस पे ये करूं कि भाई इसके सामने सुजीत लिख दे, तो सुजीत जो लिखा है वो भी तो एक एडिट हुआ ना, तो वो चैन सिस्टम हो जाएगा, माइक्रो को बाहर निकले नहीं देगा, क्योंकि मैं बोलाऊं कि वर्कशीट चेंज पे माइक्रो चले, तो हमने एक नाम लिख के अंदर हमारा वो भी एक चेंज है, और फिर जो मैनुअल लिख रहा है यूजर नेम वो भी एक चेंज है, तो चेंज चैन सिस्टम चलता रहेगा, माइक्रो कभी बाहर निकलने नहीं देगा। हमने यहाँ पे एक कमेंट हमने यहाँ पे डाल दिया, और फिर फाइल को पासवर्ड डाल दे कि एक्टिव शीट डॉट पासवर्ड इक्वल टू 12। तो फिर इस पे चेंज नहीं कर पाएगा, जैसे हमने यहाँ पे मान लीजिए कि हमने 583 डाल के एंटर मार, एक मिनट एक मिनट, एक्सेस डिनाइड। अच्छा हाँ, जिसमें ऑलरेडी कमेंट है सो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी ना, तो जो ऑलरेडी कमेंट है तो पहले उसको क्लियर कमेंट करेगा कि एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1, -1, 0 डॉट क्लियर कमेंट्स, किसी और का एडिट किया हुआ है तो क्लियर कमेंट्स। अब यहाँ पे हम जैसे कि हमने डाला एंटर बार, डिबग डिबग, पासवर्ड नहीं होगा, ये होगा प्रोटेक्ट। अरे इसमें कुछ टाइप ही नहीं होगा, टाइप ही नहीं होगा, ये करवा सकते हो। तो इसमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रोटेक्ट आप कर भी सकते हैं, प्रोटेक्ट नहीं भी कर सकते। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं किसी ने फाइल अगर प्रोटेक्ट करवा सकते हो, फाइल ओपन किया है तो उसका यूजर नेम आ जाए, जिसने वो पहले ओपन कर लगा, तो फिर आपको एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा यहाँ पे, और जो भी टाइप करोगे यहाँ पे उसकी डेटा एंट्री करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा लोम में प्रोसेस हो गया। एक सिंपल प्रोसेस है कि हमने कमेंट ऐड करवा दिया कि इसमें अब कोई पर्सन कोई भी चेंज करेगा, कहीं भी चेंज करेगा, तो आपका ये प्रोटेक्ट जो है, प्रोटेक्शन जो है दिख जाएगी, प्रोटेक्शन दिख जाएगी कि भाई इसका इस बंदे ने चेंज किया है, उसका लग जाएगा कमेंट लग जाएगा कि किसने चेंज किया, उसकी जो भी यूजर आईडी होगी वो यहां पे आ जाएगा बाय डिफॉल्ट। ये सुजीत यहां पे दिख रहा है, लेकिन हर बार यूजर आईडी ही आएगा। तो हमने इस पार्ट को ओपन किया, तो सिंपल सा कोड है जिसको अप्लाई कर सकते हो, जिसके कारण आपका आ सकता है। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए, और आप अगर चाहते हैं मेरे साथ लाइव क्लासेस लेना तो मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पर जाके मेरी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। यहाँ पे हम कंप्लीट रिपोर्ट ऑटोमेशन की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आप एक्सेल वीवीए माइक्रो एक्सेस की ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। Thank you for watching this video. Have a nice day.